First choice kids wear. Ramadan special offer up to 40% discount ke saath. Ek latest collection mein Halima Sultan, Sharara Pumplum, gown, boys full suit, western outfit aur bhi behtar service. Premium quality, sabse sasta aur acha. Ramzan mein aapki favorite shopping ki choice, sirf first choice kids hai. Lockdown ki wajah se dukaan band hai, aap niche diye number par call karke order de sakte hain. Main hoon Islamuddin Khan aur aap dekh rahe hain Prahar Times. शहर के एसडीएम के बंगले से कुछ दूर पर ही एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आज सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास झाड़ियों में एक शव देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। ये पूरा मामला एमपी के रतलाम का है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक कहाँ का रहने वाला है, कैसे इसकी मौत हुई है, इसकी शिनाख्त करने में पुलिस जाँच में जुटी हुई। वही दूसरी खबर भी आपको बता दें, जो रतलाम से ही है, जहां भाजपा के एक नेता राजेश महेश्वरी को ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी करने के मामले में रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता राजेश महेश्वरी के मेडिकल एजेंसी पर सोमवार की रात पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी में सामने आया कि ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर महंगे दामों में बेचा जाता था। बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर 420/188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 51B के तहत मामला दर्ज किया गया है। मानक चौक पुलिस थाना प्रभारी अयूब खान ने मीडिया को इस बारे में पूरी जानकारी दी। आज शाम को मैं मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि महेश्वरी मेडिकल एजेंसी के संचालक राजेश महेश्वरी अपनी जो उनका मेडिकल एजेंसी, उस पर वो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आने वाली ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी बाजार कीमत 600-700 रुपये होती है, उसको वो 4000 रुपये में विक्रय कर रहे हैं। उक्त सूचना पे हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने जो पंडरवारी कार्रवाई होती है वो की गई। नोटों पे हमने निशान लगा के उनको भेजा गया। जब वो 4000 में सौदा तय हुआ, सौदा तय से पहले भी उनने काफ़ी नकारी करी थी कि हम नहीं बेचेंगे, उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमत चाहिए, बाहर मार्केट में बाहर हेवी मीट की मिल रहा है, उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके बात करी, तो 4000 में उन्होंने सौदा तय किया। सौदा तय हुआ, सौदा जब बेचते वक्त रंगे हाथों हमने उनको रेड करके पकड़ा, जिसमें उनके पास से हमने जो ऑक्सीजन की जो फ्लो मीटर है वो पकड़ा है, साथ में जो हमारे पंडर द्वारा उनको पैसा दिया गया था 4000 रुपये, जिसका हमने निशान लगा रखे थे, वो पैसा भी उनसे बरामद किया गया है। जब हमने पूछताछ करी तो उसमें उन्होंने कुछ भी, मतलब जो कीमत का टैग था वो मिटा रखा था। बाद में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वो एक बता रहे थे, बाद में उन्होंने 6 और उनकी दुकान से जब्त हुए। इस प्रकार जब उनको चेक किया तो उन्होंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2250 रुपये लिखी हुई थी। स्पष्ट हो रहा है कि यदि उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही माना जाए तो भी उससे अधिक कीमत में ये सामान बेच रहे थे, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 420/188 और 51B आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्नी पाए, जैसे उनको मामला पंजीबद्ध किया गया, गिरफ्तार किया गया है। ये जो राजेश महेश्वरी है, काफ़ी बड़ी एजेंसी है, बताया जाता है कि ये बीजेपी के जो हैं उनसे संबंध भी हैं उनके सक्रिय, नहीं इस संबंध में भी जानकारी नहीं है। हम उनकी जो भी इनने जो कालाबाजारी की उस संबंध में विचार कर रहे हैं। सर और भी पूछताछ में कुछ और दूसरे तरह की बात सामने आई कि कब से कर रहे हैं, पहले कितने बेचे हैं? नहीं अभी ये इस संबंध में हमने पूछताछ अभी प्राइवेट में पूछताछ की, उसमें उन्होंने बताया कि अभी बुलवाया ही था बेचने के लिए, और इस प्रकार से वो कालाबाजारी जो कर रहे थे अधिक कीमत में बेच रहे थे, 700 रुपये की चीज 4000 में बेच रहे थे। अभी फर्स्ट में तो ये बरामद हुआ, अभी मामला बेचना में और जो भी कुछ तथ्य हो गए, अभी इनकी दुकान हमने सील करी है, और जरूरत पड़ेगी तो हम वापस तलाशी करके और आगे बेचने के जाएंगे। दूसरी भी दवाइयाँ हैं, प्रतिबंधित जो दवाइयाँ हैं जो चल रही हैं उनको लेकर के भी आप कुछ? हम लोगों ने इस संबंध में इसके साथ की तरफ से एक टीम गठन किया गया है, जिसमें सभी आम जनता से हमने अपील की है। आज हमने सभी पर्चे भी लगवाए उसके, सभी मेडिकल एजेंसीज पे, मेडिकल्स पे और डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास और हॉस्पिटल्स पे, यदि इस प्रकार की कोई भी आवश्यक वस्तु जो चिकित्सीय उपकरण से संबंधित है उसमें यदि कोई व्यक्ति इसकी कालाबाजारी करे या फिर अधिक कीमत से विक्रय करे, तो इस सूचना तत्काल पुलिस को, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उसी संबंध में जो हमने कल पर्चे पाए थे उसी का परिणाम है कि आज हमें सूचना प्राप्त हुई और कार्रवाई की गई।